यह मेरी कहानी है। कहानी पहले स्वदेशी विमान भाग पोत की, कहानी मेरे पिछले जन्म की और कहानी 1971 युद्ध में मेरी भूमिका की और फिर मेरे पुनर्जन्म की। मैं हूँ विक्रांत। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए साहसिक कदम की जीती जागती मिसाल। सबसे पहले मुझे 1957 में आधा अधूरा बना हुआ ब्रिटेन से खरीदा गया था, जिसका नाम था हरक्यूलिस। इसके बाद 4 मार्च 1961 को मुझे कैप्टन प्रीतम सिंह महेंद्र, जो बाद में रियर एडमिरल बने, उनके नेतृत्व में भारतीय नेवी में शामिल किया गया और पूरी दुनिया ने मुझे विक्रांत के नाम से जाना। मेरा उद्देश्य है जयेम सम युधि स्पृधा, जिसे ऋग्वेद से लिया गया है और इसका अर्थ है युद्ध में स्पर्धा करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। 1971 के युद्ध में मैंने अहम भूमिका अदा की जब मुझसे उड़ान भरकर सी हॉक्स ने बांग्लादेश के चिटागोंग, कॉक्स बाजार और बारिसाल में बमबारी करके दुश्मन की धज्जियां उड़ा दी। उनके एयर बेसिस के रनवे को तबाह कर डाला। मैंने अपने दूसरे साथी युद्धपोतों के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया कि पाकिस्तानी नौसेना की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई न की जा सके। और तब एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। इस युद्ध में मेरे बेटों ने बलिदान दिया। इस बलिदान के लिए 2 महावीर चक्र तथा 10 वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1984 में मेरा एक नया अवतार सामने आया जब एक नए युद्धक विमान सी हैरियर ने, जो वी टॉल यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता था, मुझ पर से उसने उड़ान भी भरी और लैंड भी किया। इन सफलताओं को देखते हुए नौसेना ने मेरे दूसरे साथी विक्रमादित्य को भी खरीदने का फैसला लिया और अंततः उसे भी नौसेना में शामिल किया गया। करीब 36 साल बाद 31 जनवरी 1997 को मैंने नौसेना को अलविदा कहा, पर तब तक मेरे एक और पुनर्जन्म की नींव रखी जा चुकी थी। साल 2002 में CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने कोचीन शिपयार्ड द्वारा मुझे यानी विक्रांत को फिर से पुनर्जीवित करने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद वह समय आया जो मुझे गर्वान्वित करने वाला था। 2005 में स्टील कटिंग की शुरुआत हुई, जो कि पहला कदम है किसी भी युद्धपोत को बनाने का। फिर 2009 में कील लेट डाउन किया गया और मैं यानी विक्रांत भारत का पहला युद्धपोत बना जिसके हल को बनाने में इस्तेमाल किया गया पूरा का पूरा स्टील भारत में बना हुआ है। यह मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात थी। फिर 12 अगस्त 2013 को मुझे यानी विक्रांत को लॉन्च किया गया। यह अनुभूति अद्भुत थी क्योंकि मैं भारत में बना हुआ पहला विमान वाहक पोत था। इसके बाद 4 अगस्त 2021 को मैंने कोची में अपने पहले समुद्री सफर की शुरुआत की, जिसे देश विदेश के करोड़ों लोगों ने देखा। पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना क्योंकि विमान वाहक पोत बनाना सबके बस की बात नहीं है। अपने पहले समुद्री सफर में धीरे धीरे मैंने अपनी रफ्तार पकड़ी। इसके बाद मैंने अपने पहले ही सफर में इंजन के पूरे पावर को हासिल किया और ऐसा करने वाला भी मैं देश का पहला युद्धपोत था। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। फिर पहली बार हेलीकॉप्टर्स ने मेरे डेक पर लैंड किया। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें एक माँ की तरह अपने गोद में समेट लिया हो। जल्द ही मेरे डेक पर फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई पड़ेगी जब वो इस पर लैंड करेंगे और उड़ान भी भरेंगे। मैं इस पल के लिए बहुत ही
आतुर हूँ। मैं फिर से जन्म लेने के लिए अब तैयार हूँ। देशवासी फिर से मुझे विक्रांत के नाम से बुलाएंगे। मैं देश में बना पहला विमानवाहक पोत हूँ और बदलते भारत की तस्वीर भी। तकरीबन 40,000 लोगों को मेरे बनने से रोजगार मिला। प्रतिदिन 2,000 लोग मुझे बनाने के लिए काम करते थे। लगभग 100 से भी ज़्यादा MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसमें शामिल थे, जिनमें कुछ तो सिर्फ मेरे लिए ही पैदा हुए थे, यानी ये सब के सब नई स्टार्टअप कंपनियां थीं। मुझे जब नौसेना में कमीशन किया जाएगा तब एक बार फिर से मैं INS विक्रांत कहलाऊंगा। मैं फिर से हिंद महासागर में अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा करूंगा, जरूरत पड़ने पर अपने देश के सीमाओं को लांघकर भी देश की रक्षा करूंगा। मैं एक बार फिर देश का नाम रोशन करूंगा, क्योंकि विक्रांत नामक विमान वाहक पोत कभी मरते नहीं, उनका पुनर्जन्म होता है। जय हिंद।